बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सीबोट अर्जेंटीना एफओबी के साथ डॉलर भी थोड़ा नरम पड़ा है। इससे खाद्य तेल बाजार में मंदी का वातावरण देखने को मिला है। इंदौर में सोया तेल 10 से 15 रुपए टूटकर 1505 से 1515 और पाम तेल इंदौर 1540 रुपए प्रति 10 किलो पर रह गया है। पिछले साल नरमी के बाद इस साल जनवरी से ही खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल जारी है। सरसों का तेल 8.7% महंगा हुआ है। हालांकि सोयाबीन तेल की कीमतों में 0.4% की मामूली गिरावट आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों को इस वर्ष समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिल रहे हैं। रतलाम के शरबती गेहूं का उच्चतम दाम 4,645 रुपए प्रति क्विंटल और लोकमन गेहूं का उच्चतम दाम 3100 रुपए प्रति क्विंटल तक मिला है। उड़द और तुअर दाल के लिए सरकार ने बस एक बड़ा फैसला किया है। कीमतों पर लगाम रखने और सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तुअर और उड़द दाल के इंपोर्ट को फ्री कैटेगरी में ही फिलहाल रखने का फैसला किया गया है। इनको मार्च 2023 तक फ्री कैटेगरी में रखा गया है। गोल्ड सिल्वर के रेट्स में आज बढ़ोतरी हुई है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 51,422 रुपए में बिक रहा है। इसके अलावा 1 किलो चांदी के भी रेट्स बढ़ गए हैं और वह 67,000 के पार पहुंच गए हैं। आगामी 1 अप्रैल से उपमंडल की मंडियों में गेहूं फसल की खरीद शुरू हो गई है। इसके अलावा चने व जौ की फसल भी 1 अप्रैल से ही खरीदी जाएगी, जबकि सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। सरकार के निर्णय अनुसार गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेगी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज यानी 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे पिछले 9 दिनों में कीमतों में हुई कुल वृद्धि 5.60 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वैश्विक बाजार में गेहूं की बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया के पास गेहूं का अच्छा स्टॉक है। ऐसे में सरकार ने मौके का फायदा उठाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मिश तुर्की और इटली को गेहूं एक्सपोर्ट करना चाहती है। कपास और सूती धागे की कीमतों में उतार चढ़ाव से भारत के गारमेंट उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है। चीन में लॉकडाउन होने के कारण निर्यात कम होने का लाभ भारत के परिधान उद्योग को मिलता नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले संकर 6 कपास की कीमत बढ़कर अब 1,00,000 रुपए प्रति कैंडी पहुंच गई है। इन दिनों मंडियों में सरसों की आवक हो रही है। जहां 2 दिन पहले भाव 6,000 से 6,200 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे थे, वहीं अब मंगलवार को 6,440 रुपए प्रति क्विंटल ये पहुंच गया था। एमएसपी से भी 1,400 रुपए से ज्यादा भाव मिलने से किसानों के चेहरे पर एक रौनक है।